अभी हमारे पास 8 टेंट कंप्लीट हैं, जिसमें 4 में डबल बेड लगी हैं, 4 में सिंगल बेड लगी हैं। ये डबल बेड हुआ या कपल हुआ ना, कपल के लिए हुआ, वो सिंगल सिंगल हुआ ना जी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 2:20 पे, मतलब दोपहर में शुरू हो रहा है दोस्तों। आज थोड़ा टाइम मिला नहीं, कुछ काम में बिजी था, इसलिए आज का व्लॉग दोपहर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये देखिए पहाड़ पर धूप लगी हुई है, फर्स्ट क्लास मौसम बिल्कुल खुला खुला है, और कुछ बादल लगे हुए हैं आसमान में थोड़े से, बिल्कुल मौसम साफ है, बढ़िया है। और मैंने अल्मोड़ा से आते हुए टाइम पर ना एक जगह पर कैंपिंग देखी थी, जो टेंट लगे होते हैं नीचे, कैंपिंग देखी थी। तो हम लोग जा रहे हैं पता करने के लिए कैंपिंग का क्या चार्ज है, क्या रेट है। और क्योंकि आने वाले टाइम में 31 पे हम लोग सोच रहे हैं प्रोग्राम बनाने की, कि हम लोग कैंपिंग करें। अभी प्रोग्राम बनाने की सोच रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। तो आज जा रहा हूँ कैंपिंग देखने के लिए, और ऐसे थे टेंट लगे हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सूटेबल हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में कैंपिंग का रेट क्या है और किस किस मौसम में कहाँ पर कौन सी कैंपिंग सूटेबल है। ठीक है, तो बने रहे ब्लॉग में, और चलता हूँ अभी जाके आपको दिखाता हूँ। मौसम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रहा है। स्कूटी की चाबी, हाँ ले ली स्कूटी की चाबी मैंने, चलो फिर चलो। ओके तो क्या है ये रेड है ना, ये वीडियो चालू है, ये कह रही वीडियो चालू ही नहीं है, ये वीडियो चालू है अभी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, ये आ रहा है 1 2 3 4। चलिए ये चढ़ के जाना पड़ रहा है ऊपर, यहाँ पे हमारी सीढ़ी है। हम ऊंची नीची राहों में और प्यारी प्यारी राहों में कहीं हम खो जाए, कहीं नहीं जागे। स्कूटी खड़ी है, चलो फिर स्कूटी में कपड़ा लगाना है, अभी कहीं से कपड़ा चुराना पड़ेगा, ये रोड है, कपड़ा चुरा लो यहाँ से। स्कूटी को साफ करने के लिए यहाँ खड़ी रहती है रोड के किनारे, इस पर धूल जम जाती है, देख रहे हो, यूपी सोले मुआवजे बोले। कैंपिंग का रास्ता यही है नीचे से, तो पहुंच गए हैं कैंपिंग में। ये नीचे का नजारा है, वो ये वाली जगह है शायद, और मैं दिखाता हूँ अभी आपको पास से ले जाकर, पता करते हैं चार्जेस क्या है। और क्योंकि कैंपिंग का एक अलग मजा होता है यार, नाइट आउट होता है, जैसे कि आप समझिए बहुत सारे लोगों ने कैंपिंग करी है, उनके कैंपिंग का आनंद वो जान सकते हैं, कैंपिंग में कितना अच्छा रहता है। ठंड के मौसम में म्यूजिक चल रहा होता है, आग जल रही होती है, और तरह तरह के खाने की डिशेस होती हैं। एक यहाँ पे बड़ी समस्या है, चलो तुम चलते रहो, जंगल खाली जंगल, सांप बिच्छू अभी पीछे पीछे यहाँ पे था भी एक, अभी चलो कुछ नहीं, तुम चलो आगे, तुम डर जाओगी। अरे तुम चलते रहो पहले तुम। तो आ रहा है वो जगह, रास्ता देखो आप, ये इस तरीके का रास्ता है। और यहाँ पर नई कैंपिंग खुली है, लोगों ने बताया ऊपर कि कैंपिंग नई खुली है। वाओ ये देखो फर्स्ट क्लास व्यू आ रहा है, यहाँ से नदी है, डाली डाली ये कैंप दिख रहे हैं छोटे छोटे से, यहाँ जाना है। कैंपिंग का मजा अलग होता है, म्यूजिक सिस्टम, और बिल्कुल पहाड़ के बीच में ये रास्ते उतरना पड़ रहा है, ये नीचे नदी भी है, ये नदी के बगल में मजा आएगा। चलो इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह बनाएंगे एक दो, और मेरा फोन गिरने वाला है स्टैंड से, इसको थोड़े पीछे कर लेता हूँ, बच गया। ओके ऊपर से उतर गया, नीचे चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, पता है तुम्हें, ऊपर जाने में हम नीचे आ तो रहे धीरे धीरे, लेकिन ऊपर जाने में प्रॉब्लम होने वाली दिख रहा है। ढंग ऊपर में रोड है,
वहां पे ऊपर शायद। हाँ धीरे धीरे पास भी आते जा रहे हैं हम, ये कैंप पानी के पास आ गई। अब तो तुम खुश हो पानी के पास आके, स्माइल करके दिखा दो एक। हाँ ऐसे भैया हमारी मैडम है, ये पानी के पास आके बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि राशि जो है जल तत्व की राशि है इनकी, कर्क राशि। कर्क राशि हुई जल तत्व की, पानी देखकर खुश हो जाती है कर्क राशि। तो आ गए हैं कैंपिंग पर, यहाँ पता करते हैं क्या इनके चार्जेस वार्जेस हैं। वो बीच में पुल बना रखा है, उसी तो होते हुए जाना है। तुम चल दोगी पुल पे? चलो पुल के पास चलो, रुक क्यों गई हो? चलो 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 चलो, एक बार मुझे दिखाओ, मैं नीचे से देखता हूँ ये। हाँ चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो चलो, डरो मत। फाइनली पार हो गया पुल। हाँ आइए जी, आपका है ये सारा सिस्टम? वेरी गुड। चाय बनाते हो आप लोग ना? चाय बनती है ना आपके यहाँ? ओके, तो आ गए हैं कैंपिंग में, और कैंपिंग के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं, और क्योंकि रेट वगैरह कंफर्म करते हैं क्या है, देखते हैं। होप अगर ठीक रहा तो 31st का प्रोग्राम बनाएंगे, और सारी कैंपिंग में आपको घुमा के दिखाता हूँ पूरी एक एक, एक, एक जगह। यहाँ की बेस्ट चीज़ है ना, बीच में से नदी जा रही है, वो भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये बीच में से वो नदी जा रही है, बीच में से सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं। फिलहाल एक एक कप चाय पी लें, ठंड बहुत हो रही है यार यहाँ। टेंट भी अच्छे फर्स्ट क्लास बनाए हुए हैं, एक लाइट लगी है बल्ब, और चार्जिंग का पॉइंट उसमें होगा ना सामने। हाँ, स्टूल के ऊपर जी। चार्जिंग का पॉइंट, दो बेड हो गए। हाँ सॉरी सॉरी, सेम ये एक दो और तीन चार पाँच छः सब सारे सेम ही हुए ना। हाँ एक डबल बेड वाला दिखा देना उसको आप। अभी जस्ट हमने घास लगाई रखी है ना इसमें। घास ना? हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट टाइम तक ये आएगी। इस बार पालक, यहाँ पालक आगे हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा ये डबल बेड हुआ या कपल हुआ ना? कपल के लिए हुआ, वो सिंगल सिंगल हुआ ना जी। चार्जर पॉइंट हो गया और ये हो गया। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कैंपिंग में जाएंगे और कैंपिंग के ऑनर से मिलेंगे, बात करेंगे, रेट के बारे में कंफर्म करेंगे कि रेट हमें सुटेबल रेट है या नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सीजन के टाइम पे तो औने पौने रेट मांगे जाते हैं, 4000 5000 6000 कैंपिंग के। पीछे आप देख सकते हैं, क्या नाम है सर आपके कैंपिंग का? लखू डियार। ओके, ये एक्चुअली ये फाउंट पे लिखा हुआ है, स्टाइलिश फाउंट में, तो मुझे तो पढ़ने में आ नहीं रहा है, यही बताएंगे एक बार दोबारा बता दीजिए। डियार कैंप साइट। ओके ओके, तो कैंपिंग है, नई है और वाजिब दामों में, मतलब सूटेबल रेटों में है। बात कर लेते हैं कि ऑफ सीजन का क्या रेट है, और जो सीजन होता है गर्मी का और सर्दी का सीजन अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि सर्दियों में लोग कम आते हैं ठंड की वजह से, और गर्मियों में लोग ज़्यादा आते हैं। तो सर से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? महेश जी। ओके ओके, तो सर इसमें आप ये बताइए कि कितने गर्मी के सीजन में क्या रेट है और सर्दी के सीजन में क्या रेट है इसका, और क्या क्या सुविधाएं हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी लोकेशन है, बीच में एक मतलब एक नदी भी है, तो लोकेशन पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदरता दिख रही है।
तो आप ही बताइए मुझे कि सिस्टम किस तरीके से आपकी चीज़ें चलती हैं, कि जैसे कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी कस्टमर आता है तो उसके आने के बाद में आप उसको किस तरीके से बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये, अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि नाइट म्यूजिक होता है या फिर आप बहुत सारी चीज़ें आग वाग जला दिए, डांसिंग वांसिंग होगी, तो इस प्रकार से आप थोड़े दर्शकों को ये बताइए कि आपकी कैंपिंग में क्या खास है। लखुडियार कैंप साइट जी जी, जो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है अपना, हम ये नदी किनारे सुयाल नदी की जस्ट बगल में, हमने अभी हमारे पास 8 टेंट कंप्लीट हैं, जिसमें 4 में डबल बेड लगी हैं, 4 में सिंगल बेड लगी हैं, 2 पर्सन अलाउड है हमारी टेंट में जी जी, और पर टेंट हमारा अभी जो है 2500 2500 रुपये 2500 के समथिंग। अच्छा अच्छा 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये 2500, ठीक ठीक है। 24 घंटे का? 24 घंटे। खाना पीना उसी में? ना ना ना, खाना अलग है। अच्छा, कोई किसी भी प्रकार का वेज नॉन वेज खाना मिलता है आपके यहाँ? मिलता है जी। चलिए ठीक है, बॉन फायर का भी सिस्टम है आपका? जी जी, बॉन फायर भी मिल जाएगा। लकड़ी मैंने रखी देखी, शायद लग रहा है आप आग वाग जलाने का हर सिस्टम रहता है। ठीक है ठीक है, तो अभी भी गेस्ट, एक दो गेस्ट हैं इनके पास में, ऑफ सीजन है जाड़े का, तो इसके इसलिए, वरना ये 8 कैंप गर्मी में 8 भी कम पड़ जाएंगे। इन्होंने 8 कैंप बना के रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंप पे गर्मी के सीजन में 8 भी कैंप कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, हमने ऋषिकेश में कैंपिंग की है, हमने जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे गए थे, और उस टाइम पे बहुत लंबा चलने के बाद कैंप मिला था, वो भी ऊपर जाने के बाद, तो नीचे वाले कैंप बिल्कुल फुल थे। तो ऑफ सीजन में अभी एक दो गेस्ट हैं इनके पास में, और लेकिन अगर आप आते हैं गर्मी के सीज़न में तो एक भी आपको हो सकता है खाली भी ना मिले, एक बार जरूर विजिट करें। यह पड़ता है, बतानी है, अल्मोड़ा से चितई मंदिर से जस्ट आगे जागेश्वर रोड पे। ओके ओके, हाँ, अल्मोड़ा से 12 या 14 किलोमीटर आगे, ठीक है। ये पेट लखुडियार एक फेमस जगह है, पाषाणकालीन शैलचित्र यहाँ पे मिलेंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी उस पे आते हैं लोग बाहर से देखने के लिए, गूगल पे भी कर सकते हैं लखुडियार को। हाँ, तो अल्मोड़ा ये जो कि कैंपिंग पॉइंट है, अल्मोड़ा से मेरे हिसाब से 12-13 किलोमीटर आगे है, और आपको ऑन रोड ही दिख जाएगा, और कुछ जरूरत नहीं करना है, पीछे ऊपर रोड है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, और रोड से अगर ऊपर गाड़ी से देखेंगे तो ये सब चीज़ आपको दिख जाएंगे। हम लोग भी यही ऊपर रोड से देख कर आए थे पता करने के लिए, अब मुझे लग रहा है कि सर का जो व्यवहार है उसे देख कर लग रहा है कि शायद 31st का हम लोग भी प्रोग्राम बनाएं, और आपको 31st का भी व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुल की दूसरी साइड पर खड़ी हैं ये, पहले चली गई हैं और मुझे जाना है अभी। ये है यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा, और ये रहा वो कैंपिंग, बाय बोल देते हैं कैंपिंग को, बाय बाय, और हम लोग चलते हैं फिर। चलो फिर, अरे हाँ हाँ, संभल के आ रहा हूँ मैं। ये इधर पानी है, इधर बीच में, अरे पहुंच गए फाइनली। और जी फिलहाल यहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा है, वो सुंदर। यार व्लॉग पसंद आए करे तो जो रेड बटन है बगल में उसको दबा के, और बेल आइकन पे भी ऑल पे क्लिक कर दिया करो, सपोर्ट मिलती है। तो वीडियो को लाइक वाइक करो मत करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब वाइब कर लिया करो। बड़े मेहनत कर करके व्लॉग बना रहे हैं, नई नई जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो उत्तराखंड, कोशिश मैं ये करूँगा जितनी भी उत्तराखंड की नई नई जगह हैं सारी मैं आपको दिखाऊँ, और सब जगह मैं घूमूँगा। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कौन सी जगह पे जाकर मैं आपको, आपके लिए व्लॉग बनाऊं। गलत तो नहीं आ गए हम? अब देखो वो काफ़ी नीचे रह गया कैंपिंग, और वो नदी कैसे दिखाई दे रही है उधर से, ऐसे ऐसे ऐसे, और पीछे तक जा रही है वहाँ तक, अभी तो दिखाई देनी होगी। ऊपर खड़ी हुई है स्कूटी हमारी, और वहाँ पे है जहाँ पे ये दिख रहा है, हाँ ये ना, ये यहाँ पे स्कूटी खड़ी है, और चलते हैं। चलो फिर, क्या तुम देख रही हो पीछे मुड़ 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 के, और कहाँ पे, झाड़ी के अंदर, रास्ता बड़ा खतरनाक है यार ये तो। कैंपिंग देख के आगे नीचे थी वो, सामने दिखाई दे रही है, थोड़ा साइड हो जो गाड़ी आ रही है, पहाड़ों में थोड़ा साइड होकर चलना पड़ता है कि रोड छोटे होते हैं और गाड़ियाँ बड़ी होती हैं। कैंपिंग देख के आगे एक छोटा सा एक पॉइंट और है,
वहाँ जाके एक एक कप चाय पीते हैं, फिर व्लॉग को कर देंगे एंड। तो वहाँ पे चलने के बाद वहाँ का एक और लास्ट सीन रहता है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। और सांस फूल रही है, बोला भी नहीं जा रहा है, बहुत नीचे से हम लोग चल के आए हैं वहाँ से। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर करेंगे वीडियो का एंड। तो जी ये पॉइंट है, हम पहुँचे, हम ये रोड है और ये पॉइंट है ये वाला यहाँ का। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बनाई हुई है, जो पर्यटक लोग आते हैं। और ऊपर पहाड़ देख रहे हो आप, छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं। और यहाँ पर ये स्कूटी मैंने खड़ी की है, वहाँ पर बैठने की जगह है। और ये मेन रोड है। तो एक एक कप चाय पी के और वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।